रोमियो 2:16 रोमियो 2:16। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझाता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है? वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रिय भाई बहनों, इधर हम पढ़ते हैं पर पौलुस लिखते हैं यहूदी लोगों के बारे में और अन्य जाति लोगों के बारे में लिखता है। यहूदी कौन है? यहूदी इब्राहिम की संतान है। यहूदी लोग इब्राहिम को प्रभु बुलाया इराक देश से, बाबिलोन से, और कानान देश में प्रवेश कराया। कानान देश को उनको वायदा किया दिया, अब इसराइल करके वो देश कहलाया जाता है। उनके साथ प्रभु व्यवहार किया, जीवित परमेश्वर अपना आप को प्रकट किया। अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा व्यवस्था पाया और इसराइली लोगों को सिखाए। ये सब चीज़ें उनको देने के समय में पूरे विश्व में दूसरे अन्य जाति लोग मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे, दुष्टात्माओं की आराधना करते थे। उनको पता नहीं था सच्चाई परमेश्वर कौन है। ऐसे ऐसे वो लोग जो अपना मन मर्जी में जो वो लोग को पता है उसके अनुसार वो लोग जाते थे। इसलिए यहूदी लोग हमेशा घमंड करते थे, हम व्यवस्था पाए हुए लोग, हम सच्चाई परमेश्वर को जाने हुए लोग, हमारा पास परमेश्वर का वचन है, दूसरे अन्य जाति लोग सब कुछ कुत्ते हैं,
उनका कुछ नहीं है, वो लोग प्रभु का प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न है, ऐसे ऐसे सोचते थे। लेकिन पौलुस कहते हैं, तुम यहूदी भी हो, व्यवस्था पाए हुए भी हो, व्यवस्था पाए हुए होते हुए पाते हुए तुम भी पवित्र जीवन नहीं बिता रहे हो, तुम भी इतना दुष्ट बन रहे हो, दुष्ट क्रिया कर रहे हो। फरीसी लोगों को देखिए, यीशु मसीह के समय में सब व्यवस्था उसके पास था, महायाजक लोग इतना जलन, इतना क्रोध, घमंड, परमेश्वर के विरोध में। स्तिफनोस बोलता है ना, तुम हमेशा पवित्र आत्मा के विरोध में गए, यहूदी लोगों को देख के बोलता। ये सब चीज़ें यहूदी लोग करते थे, लेकिन घमंड डिंगे मारते थे, मैं हमारा पास वचन गए, व्यवस्था गए। इसलिए पौलुस कहते हैं, तुम व्यवस्था रखे हुए व्यवस्था के अनुसार क्रिया नहीं करोगे, तुम पापी हो। वैसे अन्य जाति लोग, यूनानी लोग, ग्रीक लोग जो भी गए, वो लोग भी व्यवस्था नहीं है उनके पास, लेकिन उनका अंदर विवेक मन है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 20:27 में ऐसे लिखा है, क्या सी लिखा है, मनुष्य का आत्मा, मैं पढ़ती हूँ, नीति वचन 20, नीति वचन 20 21 सॉरी 27 नीति वचन 20 27 में हम ऐसे पढ़ते हैं, एक मिनट 20:27 मनुष्य का आत्मा के बारे में लिखा गया, उसमें वो क्या करता है, 20:27 में मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य का आत्मा प्रभु एक एक के लिए दिया गया है, मनुष्य का आत्मा एक एक मनुष्य के अंदर उनका आत्मा है, उसको पता है, हृदय को जांच कर देखता है क्या गलत है क्या सही है। इसलिए अन्य जाति लोगों के पास न्याय व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, विवेक मन है, प्रभु उनका हृदय में क्या भलाई है क्या बुराई है करके लिखे हैं, उनका हृदय में लिखा हुआ है, व्यवस्था उनके हृदय में लिखा हुआ है। हमको मालूम है आदम पाप किया, उसके पहले उनका विवेक मन ऐसे ही था, लेकिन जिस दिन पाप किया, क्योंकि उसके पहले पाप करने के पहले बुराई भलाई वो की जानकारी उनका नहीं था, बुराई के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन जिस दिन वो फल खाए पापी बन गए, तब वो उनका अंदर जो विवेक मन जाग उठा, वो पताने लगा आदम को यही सही है ये गलत है। तब तो व्यवस्था दिया ही नहीं था प्रभु, मूसा आके व्यवस्था दिया, इब्राहिम आके सच्चाई परमेश्वर का वो दर्शन पाया, लेकिन उसके पहले आदम को भी पता है, आदम ने अपना बच्चे लोगों को सिखाया, काइन को सिखाया, आबेल को सिखाया, आबेल तो मर गया, काइन के बच्चे लोग ऐसे ऐसे आके, फिर हम तीसरा सेत मिला उनको, सेत के बच्चे लोग में से आया नूह ही बच गया, काइन का सब वंशावली सब मर गया, आबेल मर गया पहले से, काइन का वंशावली सब जल प्रलय में मर गया, बाढ़ में, नूह का बाढ़ में, केवल सेत का संतान नूह बच गया, उनके परिवार बच गए। सब नूह को भी मालूम है, आदम के वंशावली में आते आते उनको भी सिखाया गया, सच्चाई परमेश्वर एक गए, वो उसको ये अच्छा लगता है, ये बुरा है। इसलिए कोई भी भगवान बताने के लिए ये कुछ ये नहीं है, जो व्यवस्था को मानते नहीं है, व्यवस्था पाकर व्यवस्था को मानते हैं उनके लिए भी दंड मिलेगा, मानेगा तो। ऐसे अन्य जाति लोग भी अपना विवेक मन के अनुसार, अपना हृदय में जो परमेश्वर का व्यवस्था लिखा हुआ है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, उनके लिए भी दंड मिलेगा। जो प्रभु का अनुसार चलते हैं उनके लिए शांति, आदर और अविनाशी जीवन, अनंत जीवन मिलेगा करके तो लिखा है पौलुस। हम कभी कभी देखते हैं दुनिया में नास्तिक लोग, यार परमेश्वर नहीं है करके बोलने वाले,
हमेशा ऐसे बोलते हुए हम देखते हैं, क्या देखो परमेश्वर है तो कहाँ है, देखो इधर ये क्यों इतना बुराई हो रहा है, इसके लिए क्यों ये आया है, ये परिस्थिति कैसे क्यों ऐसे होता है, परमेश्वर न्यायी है तो ये सब क्यों हो रहा करके नास्तिक लोग वाद विवाद करते हैं, सच्चाई को मानते नहीं हैं, मूर्ख बन जाते हैं वो लोग, सोचते हैं हमको ऐसे सोचिए, हमें अभी ये बाहर मेरा घर के बाहर खड़े होकर ऐसे सामने हमने देखती हूँ, थोड़ा दूर तक मुझे कुछ ना कुछ चीज़ बिल्डिंग्स दिखाई पड़ता है, पेड़ पौधा दिखाई पड़ता है, ये सब दिखाई पड़ता है, मेघ दिखाई पड़ता है आकाश में, ये सब केवल मेरा आंख के लिए दिखाई पड़ता है, उसके बाद में कई चीज़ें थोड़े दूर मुझे दिखाई पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ जो मैं देखती हूँ वही है, उसके बात में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे देखने का सामर्थ्य इतना ही है मेरा आंख के लिए, ऐसे ही मनुष्य लोग गिरे हुए मनुष्य लोगों का बुद्धि इतना छोटा हो गया है, मनुष्य लोग अपना बुद्धि का अंदर परमेश्वर को लेके आना चाहते हैं, उसका अंदर पूरा रखना चाहते हैं, परमेश्वर का ज्ञान को अपना बुद्धि से समझना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो पाएगा प्रिय भाई बहन, इसलिए नास्तिक बन जाते हैं, लेकिन मूर्ख करके, नास्तिक मूर्ख करके प्रभु का वचन कहता भजन संहिता में, इसलिए कोई भी मैं भी मेरे जीवन में मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरे जीवन में जो भी दुख संकट मुसीबत बीमारी कुछ भी परिस्थिति कोई भी हो आने के समय में मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, परमेश्वर क्यों अन्याय कर रहा है मेरे साथ, परमेश्वर क्यों अनुमति किया गया, परमेश्वर क्यों ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है कभी नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर के पक्ष में कुछ अन्याय नहीं है, इधर 11 वचन में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, रोमियो का 2:11, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्यायी परमेश्वर है, हमेशा हमारा पक्ष में ही हमारा साइड में ही सब गलती होता है, कुछ निर्णय गलत निर्णय लिया होगा कई साल के पहले, प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं चला होगा, कुछ दूसरा कुछ चीज़ें किए होंगे, कुछ शब्दों के द्वारा हमें अपने आप को श्राप दिए होंगे, कोई कोई पाप किए होंगे, इसलिए दुष्टात्माओं के लिए कहा जगह मिल गया, शैतान हमें सताता होगा, लेकिन लोग आसानी से बोल देते हैं परमेश्वर क्यों ऐसे कर रहा वैसे कर रहा, अन्यायी परमेश्वर करके, कभी भी आप परमेश्वर अन्याय नहीं करते, मालूम है आपको एक वचन गए भजन संहिता में, प्रभु का सिंहासन धार्मिकता में स्थिर है, आप सोच के देखिए हम एक कुर्सी बनाते हैं उनका चारों पैर धार्मिकता, ऐसे सोचिए वो धार्मिकता नहीं होता तो न्याय नहीं होता, तो न्याय नहीं करता तो वो चारों नहीं तो एक दो पैर टूट जाता तो कुर्सी को क्या होगा, गिर जाएगा, ऐसे परमेश्वर अन्याय करता तो परमेश्वर का सिंहासन स्थिर नहीं रहेगा, गिर जाएगा, लेकिन हमको पता है परमेश्वर का सिंहासन उनका वो राजाओं का राजा वो युगानुयुग राज्य करेगा, उनका अंदर अन्याय नहीं है बुराई कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका सिंहासन भी हमेशा स्थिर रहेगा, उनका सिंहासन को कोई भी हिला नहीं पाएगा, क्योंकि वो न्याय परमेश्वर है, यही ये हमको समझना चाहिए, कभी भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी गंभीरता हो गंभीर हो हमारा परिस्थिति परमेश्वर के विरोध में हम बात नहीं करना है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर के पास हम कृपा मांगना है, प्रभु मुझे पता नहीं है लेकिन आपका कृपा के द्वारा अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन में आप काम कीजिए, मुझे प्रकट कीजिए, मुझे क्या करना है इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, क्या क्या वचन मुझे समझना है, क्या क्या वचन को मैं कबूल करना है विश्वास करना है, प्रभु आपका अनुग्रह के द्वारा मुझे समझाइए, ऐसे ही हम बोलना है, ऐसे हम बोलेंगे बाहर आ सकते हैं, कभी भी प्रभु का ऊपर गुस्सा नहीं करना है, आपको मालूम है हमको मालूम है कहीं कोई कोई ऋग्वेद है हमारा देश में कई सालों को पहले लिखा हुआ, उसमें ऐसे लिखा गया, क्या लिखा गया, मुक्ति कैसे मिलेगा मतलब मृत्यु से पार होकर अमरता की ओर, अमरता अनंत जीवन की ओर कौन हमें लेके जा सकता है, परमेश्वर को दाकर
एक लकड़ा में उनको बांध कर मारेंगे। उस बलिदान के द्वारा वो हमें पार करा सकता है। ऋग्वेदा में लिखा है, प्रिय भाई बहनों, ऋग्वेदा लोग सोचते हैं ये सब हिंदू धर्म में गए, लेकिन उसमें भी लिखे रखा है, जो अच्छा से उसको पढ़ने वाले समझ लेंगे, समझ लेंगे। और भगवत गीता एक गवाही में पहले भी सुना हूँ आपको, वो एक भाई इतना ढूंढा सच्चाई को, एक मुनि लोग से गए, साधु संन्यासी लोगों के पास गए, ज्ञानी लोग जो पंडित लोग के पास गए, बार बार पूछा मुझे अनंत जीवन कैसे मिलेगा, अनंत जीवन कैसे मिलेगा, मार मृत्यु के बाद में मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मतलब अच्छा जगह में जाना चाहता हूँ, उसको मुझे कैसे मिलेगा, ऐसे पूछ पूछ के सब लोग कुछ ना कुछ ये करो वो करो सब कर चुका, कुछ भी उनको शांति नहीं मिला। तब वो एक आदमी बोला तुम भगवत गीता को मनन करो उसमें तुमको मिलेगा। तो भगवत गीता को भी ढूंढा और उनको समझ में नहीं आया, भगवत गीता को दूसरों को सिखाने वाला भी बन गया, फिर भी उनका अंदर आत्मा में पता है मैं मुक्ति पाना मुझे मुक्ति नहीं मिला, अंदर आत्मा में उनको पता है, क्योंकि हमको मालूम है परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर आत्मा में, जो जो प्रभु के बच्चे लोग हैं उनका अंदर आत्मा में गवाही देता है हम प्रभु के बच्चे हैं। और योगना का पत्री में भी लिखा है परमेश्वर हमारा अंदर गवाही देता है, हमारा अंदर एक गवाही रहता है हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उनका क्रूस की बलिदान के ऊपर विश्वास करके, वो तीसरा दिन जी उठा करके हम विश्वास करके प्रभु मैं पापी हूँ आप मुझे बचाइए, आपका लघु के दाऊद अलावा आपके इस बलिदान के अलावा मुझे कोई भी इरादा नहीं करके जो जो आते हैं उनके लिए मुक्ति मिलता है, वो लोग प्रभु का बच्चा बन जाते हैं। पवित्र आत्मा अंदर अमर आत्मा उसका अंदर आत्मा में आकर निवास करते हैं। त्रिएक परमेश्वर अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक प्रभु के बच्चों का आत्मा का अंदर निवास करते हैं। रोमिया 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, एक व्यक्ति का अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो मसीह का नहीं है, मसीह का आत्मा एक व्यक्ति का अंदर नहीं है तो मसीह का नहीं है करके रोमियो 8 में पढ़ते हैं। इसका मतलब कोई कोई ऐसे बोलते हैं आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया तो अन्य भाषा नहीं पाया तो आप नरक में जाएंगे करके बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो प्रभु के बच्चे लोग हैं सबका हृदय का अंदर उद्धार पाया हुआ एक एक अंदर पवित्र आत्मा रहता है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा वो थोड़ा अलग अनुभव है, ऊपर का और भी ऊंचा अनुभव है, लेकिन जो जो प्रभु के बच्चे लोग हैं सबका अंदर पवित्र आत्मा गवाही देता है तुम प्रभु का संतान हो, तुम मुक्ति पा चुके हो, अनंत जीवन तुम्हारा अंदर गए, तब तुम मरोगे तुम स्वर्ग में जाओगे, अनंत जीवन तुम्हारा आ गए, पुत्र जिसका अंदर गए अनंत जीवन उसका आ गए, क्रिस्त मसीह का आत्मा के जिसका अंदर गए वो मसीह का। इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ बैप्तिस्मा नहीं पाया हो तो भी, अभिषेक पाया नहीं हो तो भी, पवित्र आत्मा उनका अंदर रहता प्रभु का बच्चा का अंदर, वो प्रभु का आगमन में जाएंगे। लेकिन हम इसलिए बैप्तिस्मा मुझे नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं चाहिए, अन्य भाषा नहीं चाहिए करके हम कभी नहीं बोलना, वो सब अच्छा अनुभव है, उसमें हम आएंगे, हम भी बहुत छुटकारा पाएंगे, दूसरों को भी आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए फिर उस भगवत गीता में उस भाई ने ढूंढा, उसमें एक है, क्या है, शब्द के साथ आपको मेल मिलाप करना है तब आप मुक्ति पाओगे। उसको समझ में नहीं आया शब्द क्या गया, शब्द क्या गया, शब्द के साथ मेल मिलाप करना, शब्द मतलब क्या हुआ, ऐसे ढूंढते रहा। लेकिन एक बार एक प्रभु का दास एक संदेश दिया, बाइबल का वचन लेके दिया, आदि में वचन था, युगनामे गए पहला अध्याय में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो समझ में आ गया उनको, वचन यीशु है। वो यीशु के साथ जो जो मेल मिलाप कर लेंगे वो लोग को मुक्ति मिल जाएगा। उनको फाइनली आखिर में उनको पता ही चल गया वो रहस्य बात, सच में जो हमारा वेद में लिखा है यीशु मसीह ही एक ही रास्ता है, उसके साथ हम मेल मिलाप हो जाएंगे, मतलब उसको स्वीकार करेंगे
उनके साथ समाधान हो जाएंगे, उनको बलिदान को हम विश्वास करेंगे, तब हमारे लिए मुक्ति। वो भाई मुक्ति पा लिया, आनंद जीवन पा लिया, प्रभु का दास बनकर अभी सेवकाय में है। प्रिय भाई बहनों, सब जगह में लिखा है, प्रभु वो सबका विवेक मन में लिखा गया, सबको बता गया मुक्ति कौन दे सकता है। इसलिए कोई भी न्याय का दिन कोई भी नहीं बोलेंगे, हमको पता है, पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, नरक में जो जो जा रहे हैं वो लोग कोई भी झगड़ा नहीं करते प्रभु की ओर। तुम अन्याय परमेश्वर के यीशु, तुम क्यों मुझे, मैं ऐसे किया वैसे किया, क्यों मुझे नरक में डाल रहे हो, कोई भी व्यक्ति झगड़ा नहीं कर रहे। कई लोगों की गवाही मैं सुन चुकी हूँ, सब लोग आत्मा शरीर से अलग होने के बाद में सब लोगों को जानकारी हो जाता है मैं अन्याय किया हूँ। परमेश्वर के पास कुछ अन्याय नहीं है, यीशु को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर जो रास्ता रखा यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, शब्द के साथ मेल मिलाप होने के लिए, वो मैंने नहीं किया, इसलिए मैं नरक का योग्य हूँ करके सब लोग ऐसे चले जाते हैं। कोई भी हाथ पैर नहीं मारते हैं, कोई भी वाद विवाद नहीं करते, सबको मालूम है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन सिंहासन में बैठेंगे, न्याय करेंगे। बेमा सीट, मसीह का बेमा सीट केवल प्रिय प्रभु के बच्चों के लिए होगा। हजार साल के पहले, राज्य होने के पहले, उसमें प्रभु हमारे लिए सबका एक एक का अलग अलग, सबका सामने हमारा एक एक का नहीं दिखाएगा, अलग अलग एक एक का अपने जीवन के बारे में, जो जो हम गलती किया, जो जो पाप किया सब दिखाई देगा, जो जो भलाई किया सब भी दिखाई देगा। हमारा पाप सब, हमारा गलती सब यीशु मसीह का लघु के द्वारा धो लिया गया। इसलिए केवल जो हम भलाई किया, भलाई के लिए जो बोल रहा है ना, जो अमरता को ढूंढने वाला, शांति को ढूंढने वाला, आदर को ढूंढने वाला, अविनाश को ढूंढने वाला को सब मिलेगा। ऐसे उसके लिए जो जो काम हम किए वो काम के प्रतिफल प्रभु हमें देंगे। किसी किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी किसी को कम मिलेगा, वो प्रभु का वचन में कई जगह में लिखा। लेकिन हजार साल का राज्य खत्म होने की बात में यीशु मसीह सफेद सिंहासन में बैठेगा। वो न्याय विधि विधि अविश्वासी लोगों के लिए, शैतान के लिए, उनके दूतों के लिए, वो जो जो नरक में जहाँ उनको क्या क्या दंड है, उधर भी हम भी देखें दुनिया में अविश्वासी लोगों में भी कोई कोई अच्छे लोग हैं, अच्छा कर्म करते हैं, कोई कोई बहुत दुष्ट लोग हैं, उसके अनुसार उनके लिए न्याय विधि मिलेगा, उसका भी प्रतिफल मिलेगा। क्या प्रतिफल? नरक में कौन सा जगह में वो लोग कष्ट उठाना है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का ऊपर हम दोष न लगाएं, हम शांति से प्रभु को स्वीकार करें। ये जो इस जीवन में हमको वो करना पड़ेगा, शब्द के साथ मेल मिलाप, शब्द जो यीशु मसीह है उसके साथ मेल मिलाप होना पड़ेगा, तब हम मुक्ति पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन।